राजद नेता के ठिकाने से बरामद हुई शराब के जखीरे के बाद झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर राजद के पूर्व एमएलसी सुबोध कुमार राय के और मांझी स्थित तारंगिनी बांटलर्स में उत्पादन विभाग की छापेमारी में 150 से अधिक पेटी नकली शराब बरामद होने की खबर ट्वीट की है। इस ट्वीट में बाबूलाल मरांडी ने सुबोध कुमार राय के लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ में तस्वीर भी जारी की है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि झारखंड में पूरी तरह से लूट मची और सरकार भी इस लूट में शामिल है। हालांकि उत्पाद विभाग ने अब तक इस छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान साझा नहीं किया है। इसमें उत्पाद विभाग के भी हाथ पांव फूल है। देखिए, हाथ पांव फूलना तो स्वाभाविक है भाई, सब लोगों के मिली भगत है। यहाँ तो जिस प्रकार से पूरे लूट मची हुई है, उस लूट की कहानी तो मैं सदैव कहते रहा हूँ, बोलते रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो सरकार ही जब खुद लूट में शामिल है, ये तो कभी कभी क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल जब पकड़ा जाता है तो जिसको बोलते हैं ना उगलते बनता ना निगलते बनता है, तब वो लोग परेशान होते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि लूट में लोग लगे हुए हैं, सब कुछ लोग लूट रहे हैं, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे दारू हो, इसकी कोई सीमा रेखा ही नहीं है। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा कि एनजीटी का जो जजमेंट आया है सरकार के बारे में, इतनी खराब टिप्पणी की है जिसका आप कह नहीं सकते। अगर थोड़ी सी भी हेमंत सोरेन के अंदर नैतिकता होती तो हमें नहीं लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब जाते हो, त्यागपत्र दे देते भाई। इस कदर लूट मची हुई इस राज्य में और सरकार को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें खुद शामिल है। रुष्ट प्रणाली आया आज 2010 के संकल्प को फिर से लागू किया गया है। आपके ही विधायक ने कहा है, नीलकंठ जी ने कहा है कि छोटी समेत जो है 5 जिलों में जो पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने का है वो शून्य हो गया है। इसको दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमजी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमजी बार्स, रिश्ता मजबूती का।